हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नंदनी आपके लिए स्टाइलिश पर्स फिर लेके आई है, और उसके लिए हमें सामान चाहिए। 7x11 का क्विल्टेड पीस दो। ये मैंने, मेरे पास सिल्क का पीस था, मैंने ये सिल्क में बनाया है, और दो क्विल्टेड पीस लिए हैं, और इसमें बर्फी काटी है, चेक नहीं काटा गया, तो ताकि ये लुकिंग वाइज अच्छा लगे बनने पर। और इसी का एक एम्ब्रॉयडरी पीस मेरे पास था, जो मैंने उसका ये मैंने लिखा है ना, क्विल्टेड कवर पीस 1। क्विल्टेड पीस दो चाहिए थे, ये दो हो गए हमारे, और क्विल्टेड कवर पीस एक चाहिए था, तो ये मैंने लिया है 9x6 का। जो इसका ऊपर का फ्लैप आएगा वो मैंने इसको तैयार किया है, और ये पूरी तरह से क्विल्ट नहीं किया है, बस इसमें अंदर फोम डाल करके और किनारे इसका हल्का सा बॉर्डर दे दिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये तीन, ये अंदर सिलाई में चला जाएगा, ये सामने इस तरह से आएगा। और फिर मैंने लिखा है 11x7 प्लेन पीस 3। तो दो पीस तो मैंने इस तरह से जोड़ दिए हैं, बीच में एक में जिप लगाई है, पीछे से इसको कवर कर दिया, सिंपल पाउच की तरह तैयार किया है, और बाहर से सिलाई दी है, इसमें पूरा एक पाउच बना लिया है, और एक सिंपल अलग से इसको ऐसे रखा है। और उसके बाद मैंने लिखा है लूप 3x2, तो 3 इंच के दो पीस दो लूप लिए हैं। जिप ऑप्शनल यहाँ पे लिखी है मैंने, अगर आपको ठीक लगे, मैं तरीका बता दूंगी, आपको ठीक लगे तो आप लगाएंगी बेल्ट और वेलक्रो। तो चलिए, ये था इसका मेजरमेंट, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल, हमें ये करना है कि ये जो हमारे पीस हैं, ये पहले हमें इन्हें जोड़ना है। तो ये जो पीस है हमारा, इसको हम यहाँ पर ऐसे लंबा जोड़ लेंगे, एक सादा पीस क्विल्टेड और एक सादा पीस, इसको ऐसे जोड़ लेंगे। ये वाला पहले हम अलग जोड़ के कर देते हैं। अब इस सिलाई को ध्यान में रखते हुए, जो दोनों जोड़े गए हैं, ये हम पहले इसमें लूप लगा देंगे। ये लूप, ये जो बंद सिरा है, ये अंदर की तरफ रहेगा, और ये सिरा यहाँ पर ऐसे सिला जाएगा। इस तरह से ये थोड़ा हिस्सा अंदर की तरफ रखते हुए, इस तरह से करीब आधा इंच नीचे, हाफ इंच नीचे करके इसको यहाँ पे काटते हैं। अभी तक मैं काम कर रही थी, सही चल रही थी। सॉरी फ्रेंड्स, ये
ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया, लूप लग गए। इसी तरह से अब हमें दूसरा लगाना है, लेकिन इसमें हमें ये पीस भी जोड़ना होगा। तो इसका इस तरह से मोड़ के सेंटर निकाल लें, ये मैंने निकाला हुआ है, इसमें भी मैंने सेंटर निकाला है और इसमें भी मैंने सेंटर निकालना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि ये फ्लैप हमारा बाहर आना है और ये क्विल्ट हिस्सा भी बाहर आना है। तो पहले इसको हम पूरा ऐसे रखेंगे, ये सीधा रखा, इसके ऊपर इसको उलट के रखेंगे इस तरह से, ये सीधा एक तरफ, और उसके ऊपर फिर ये जो सीधा हिस्सा था जिप का, जो पॉकेट बनाया था अलग से, वो भी इस तरह से रख के इसको सिल देंगे। सारे सेंटर मिलाते हुए ये पूरा हिस्सा हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। जो ये थोड़ा सा फ्लैप का हिस्सा है, थोड़ा सा इसको इस कपड़े से, बड़े कपड़े से थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें ताकि ये छूटे नहीं कहीं से, थोड़ा सा बाहर। ये देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे हो रहा है हल्का सा, एकदम बहुत हल्का सा, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें और फिर इसको भी इसके ऊपर सेंटर मिलाते हुए रख दें और पूरा सीधा सिल दें। ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। तो ये हमारा फ्लैप यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा और ये बाद में इस तरह से आएगा। अब हमें क्या करना है कि ये पूरा कपड़ा इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये छूट गया है, जो मैं बढ़ाने के लिए कह रही थी वो छूट गया है। इसको फिर हम उधेड़ेंगे, फिर से ठीक करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। इसको हम इधर से सिलेंगे, इधर से उधेड़ा है, उधर से हम इसको सिलेंगे। फिर चेक कर लेते हैं, इस बार सही जुड़ गया है। अब मैं ये बता रही थी आपको कि ये फ्लैप का हिस्सा इस साइड रखें, इधर ये कपड़ा है, और जो पहले हमने तैयार किया था इसका भी ये सीधा अंदर है, ये सीधा भी अंदर ही जाएगा, दोनों पतले हिस्से एक तरफ, दोनों किल्ट के हिस्से एक तरफ। अब इसे हमें यहाँ से जोड़ना होगा, ये सिलाई यहाँ पे बराबर से आनी चाहिए और दोनों सिरे मिलाते हुए इसको सिल दें। दोनों हिस्से अच्छे से मिला लें और इसको यहाँ पे सिल दें। नीचे आपका फ्लैप इस तरफ नहीं सिलना चाहिए। फ्लैप को अंदर से हटाते रहें। नीचे के बॉटम की तरफ आ जाएं, इसको भी अच्छे से सिल दें।
इधर भी सिलाई पर ध्यान दें और सारी सिलाइयां बराबर से आनी चाहिए। धागा भी निकल गया। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जल्दी समझा दूँ, क्योंकि तो मैं बहुत धोखा खाती हूँ। लूप भी निकल गया। सिल गया। अब ये जो पतला कपड़ा था इसका बॉटम हमने नहीं सिला है, इसका सिल दिया है। अब इसको उलट के हमें चेक करना होगा। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। इसके अंदर का जो ये हिस्सा है, ये जो अस्तर का कपड़ा था ये भी सीधा हो गया है। अब ये जो अस्तर का कपड़ा है इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इसका बॉटम बंद करना होगा, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इसको मोड़े और इसको सिल दें। जितने धागे हैं खींचे नहीं, उसको कैंची से काट दे। खींचने से हो सकता कहीं से लग का धागा होगा तो वो कट सकता है। अब ये जो अस्तर का कपड़ा हमने अभी सिला है इसको सफाई के साथ अंदर डाल दें, कॉर्नर से कॉर्नर पूरा मिला दें इसको यहाँ अंदर अच्छे से इस तरह से पूरा अंदर तक मिला दें। अब जो जिप है हमारी वो, अब चूंकि ये पार्टी वेयर पर्स मैंने बनाया है तो जिप ऑप्शनल है। ये जिप अब आप चाहें इसमें यहाँ ऊपर ऐसे लगा सकती हैं इस तरह से। तो आइए इसको मैं भी लगाती हूँ, आप भी लगाइएगा। और इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम जो ये हिस्सा है, ये दोनों अस्तर का और ये जो क्विल्ट किया हुआ था इसके हिस्से को यहाँ से पकड़ेंगे और इस जिप को सेंटर में रखेंगे, इस तरह से सेंटर में रखेंगे, उल्टी जिप रखेंगे इस तरह से। और इसको जो साइड में है यहाँ पर मशीन चला देंगे
इस तरह से। जिप लगाने से इसमें जो हमारा सामान है वो भी सुरक्षित हो जाएगा और जो हमारी पार्टी है वो और मज़ेदार हो जाएगी, तो इसलिए जिप लगाना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने ऑप्शनल कहा था, आपकी मर्जी के ऊपर है। इसको सेंटर में यहाँ रखा हमने दोनों सिलाई के लूप के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पे डबल सिलाई चला देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से जुड़ गया है। अब ये जो हमारी जिप है इसको हम यहाँ से, ये जो अस्तर और क्विल्ट का हिस्सा था इन दोनों के, इसको पतली, जो पतली सिलाई करते हैं उसी तरह से बस ये जिप का कपड़ा हमें रखना है और इस पर मशीन चला देनी है बहुत पेशेंस के साथ और बहुत सफाई के साथ। इस तरह से दोनों हिस्सा रखेंगे और मशीन चलाएंगे। ये हमारा एक हिस्सा जुड़ गया है। अब यहाँ से मशीन हम फिर से हटाएंगे। ये देखिए ये एक तरफ की जिप हमारी लग गई है और अब हम दूसरी तरफ की जिप लगाएंगे। तो ये फ्लैप हमारा बाहर रहेगा और ये जो जिप है, ये जो हमारी यहाँ पे फ्लैप और ये अस्तर और ये पीछे का क्विल्ट का जो ये जोड़ था, इस पर रख के हम ये पूरी जिप इस तरह से सिल देंगे सफाई के साथ। इस हिस्से पर डबल सिलाई चलेगी क्योंकि किनारे का है, उघाड़ सकता है।
ये हमारी जिप लग गई। इस तरह से हमारा ये पर्स सेफ हो गया। और ये हमारी अंदर की जो दूसरी पॉकेट है ये भी दिखने लगी, और ये पूरा पर्स हमारा इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, इसको सिल देते हैं पहले, फिर मैं आपको आके बताती हूँ। अब ये हमारा फ्लैप आ गया। अब ये जो फ्लैप है हमारा, ये इस तरह से खड़ा नहीं रहेगा। यहाँ पर ये जो मैंने आखिरी में इस पर लिखा था कि हमको वेलक्रो की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वेलक्रो सेम उसी तरह से, क्योंकि ये स्टाइलिश पर्स है तो इसमें हम वो सिलाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप ग्लू लगा के, फैब्रिक ग्लू लगा के और सेंटर दे करके फैब्रिक वो लगा सकती हैं, वेलक्रो लगा सकती हैं, और मैग्नेट बटन भी लगा सकती हैं। लेकिन मैग्नेट बटन के लिए फिर यहाँ पर भी आपको करना होगा, अगर सिंगल कपड़े में लगाएंगे तो ये फटने का डर रहेगा, इसलिए मैंने वेलक्रो लगाना उचित समझा है। और रही इसकी बात, तो इसको अब हम इसी के कपड़े से, ये मेरे पास सिल्क का कपड़ा है, इसको हम कवर कर देते हैं। तरह से एक पीस ले लें और इसको इस तरह से पहले सिलाई कर लें। बहुत आसान है इसको बनाना। ये अपने पट्टी सिल ली। अब ये जो हमारा वो जिप है इसके ऊपर ये पट्टी रखें और इसको यहाँ पे एक स्लाइडर से दें। फिर ये हमारा उल्टा आ गया, इसको अंदर की तरफ ऐसे रखें, इसको यहाँ ऐसे मोड़ें और इसको ऐसे रख करके कवर कर दें। कवर करने के बाद फिर से इसमें चारों तरफ मशीन चला दें और जो अंदर के कोने दिख रहे हैं उनको अंदर मोड़ते जाएं। ये हमारा पर्स तैयार हो गया इस तरह से। अब इसको हम पूरा इस तरह से खोल सकते हैं, ये इतनी स्पेस आ गई इसमें, है ना। और ये हमारी अंदर की जिप आ गई, ये देखिए, ये हमारी अंदर की जिप आ गई, एक पॉकेट और ये दो पॉकेट हमारी तैयार हो गई हैं। और अब इसमें जो हमने कल बेल्ट लगाई थी, ये हमारा पर्स तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमने कल बेल्ट बनाई थी, अब देखिए इसमें जितने कलर हैं, ये अब इसमें ये कलर है जो कॉपर कलर है, वो हमारा ये बेल्ट तैयार हो गई। अब इसमें हम आसानी से इसको भी लगा सकते हैं, इसका लुक दूसरा हो जाएगा लगाते ही, और आसानी से हम अपने ड्रेस के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं।
बस आपको बेल्ट बनानी होगी और एक ऐसा पर्स। तो इसके साथ ये जिप बेल्ट लग गई। अगर ये नहीं चाहती हैं तो इसको निकाल दीजिए। ग्रीन साड़ी पहनी है, ग्रीन बेल्ट लगा लीजिए, एकदम डिफरेंट लुक आ जाएगा आपका तुरंत। जो मैच है वो उभर के दिखने लगेगा आपका, और सारा आपका इस पर बेस करेगा कि आपका ये कवर कैसा है। अगर आप इसको भी एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटेड लेती हैं तो फिर वो लुकिंग वाइज उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हाईलाइट करना है तो बेल्ट और इसके फ्लैप्स। तो एक दो कलर ये हो गए। तीसरा जो मैंने सिल्क का कपड़ा लिया है, तो सिल्क के कपड़े के हिसाब से ये कलर आ गया। देखिए एकदम अलग लुक पूरा मैच कर लिया। इसमें ये जो थ्रेड इस्तेमाल हुए हैं उसके साथ ये मैच कर लिया। अगर आपने गोल्डन साड़ी पहनी है तो सिल्क का अपना लुक है, ये देखिए एकदम डिफरेंट लुक आ गया। तो इस तरह से आप एक स्टाइलिश पर्स तैयार कर लें, डबल जिप का या सिंगल पाउच का, जैसे भी। और ये जितनी बेल्ट हैं इनका इस्तेमाल करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी कल फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।